स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव आज अपने गृह जिले की अनाज मंडी में पहुंचकर किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूर्व साथी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो बड़े बड़े जमीन घोटालों की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में लाभ लेने वाले आज बीजेपी सरकार में भी मंत्री हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में मलाई खाई और अब बीजेपी सरकार में मलाई खा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूनिटेक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की हिस्सेदारी बताई जा रही है। यूनिटेक में प्लॉट धारकों से प्लॉट देने के नाम पर राशि तो बटोर ली गई, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। इसी मुद्दे पर योगेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सभी से माफी मांगने के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि अब केजरीवाल टिप्पणी करने लायक नहीं है। आपको सुनाते हैं कि मंच से योगेंद्र यादव ने क्या क्या कहा। पहले लोगों में से थे जिन्होंने उठाया था, जब ये हुड्डा जी की सरकार थी उस समय हमने इस चीज को उठाया था। और दुख की बात तो ये कि इस विरोधी दल की सरकार को इतने साल लगे उस मायने को करने के लिए। मानेसर में जिस तरह से लूट मची थी जमीनों की, उसके बारे में हमने तो खुल के बोला था। वहां तो एक सभा भी की थी उस दिनों में हमने, तो ये तो बात सही नहीं है कि नहीं बोले। और रेवाड़ी के घोटाले के बारे में अभी मेरे को सूचना दी गई है, इसके सारे कागजात देखने के बाद। इतनी मेरी आदत है कि किसी बात का जब तक कागजात की जांच ना करूं तब तक उसके बारे में बोलता नहीं। तो जो नहीं उठाएंगे जरूर, हमने तो इस तरह के तमाम घोटालों को बार बार उठाया है और इसके बारे में जरूर बोलेंगे। दिक्कत सिर्फ ये होती है कि घोटाले में आज जब बीजेपी की केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्य सरकार इन घोटालों का जिक्र करती है, यूनिटेक का मामला आया है, सरकार भूल जाती है कि इस यूनिटेक के घोटाले के लाभ लेने वाले लोगों में कुछ लोग आज इनके मंत्री बने हुए बैठे हैं। देखिए यूनिटेक में कौन कौन लोग थे, यूनिटेक में किस किसने इन्वेस्टमेंट किया है और वो आज बीजेपी की सरकार में कहां है। पहले कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, पहले कांग्रेस की मलाई खाई आज बीजेपी की मलाई खाई। यूनिटेक का आप देखिए मामला, वो क्यों नहीं बोलते, हम तो सबके बारे में बोलते हैं। केजरीवाल साहब टिप्पणी करने लायक भी मामला नहीं है, छोड़िए अपने ज्यादा गंभीर बात कर रहे हैं, मखौल के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो मखौल हो गया आप तो बिल्कुल। योगेंद्र यादव ने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि देश में पहली बार किसानों के लिए एक मंच बना है जिसमें 100 से भी ज्यादा किसान संगठन जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि साल 2015 से लेकर अब तक उनका मंच सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों के मुद्दे उठा रहा है। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।